अर्चना जी, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी पर इस तरह की घटना हुई है, प्रियंका चतुर्वेदी थी जो अब शिवसेना में है, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर महिलाओं की इज्जत नहीं होती, आपको नहीं लगता है? देखो कांग्रेस पार्टी की अगर विफल है कि जो टॉप लीडरशिप है राहुल गांधी है पूरी तरह से फेल हो गए कहीं ना कहीं। नहीं, राहुल गांधी जी कभी फेल नहीं हो सकते क्योंकि वो एक मेहनती इंसान है और वो अपनी मेहनत दिखाते हैं। और रही बात जैसे मैंने बताया संदीप जैसे लोग जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो उनकी बैकबोन बन के बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पहले उन पे उन लोगों को ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो ही सबको खराब कर रहे हैं, पूरी पार्टी को जो खराब कर रहा है वो ही खराब कर रहा है। और जो मेरी दुश्मनी हुई है मैं बताती हूँ, संदीप सिंह के साथ मेरी जो दुश्मनी है जो चल रही है वो कहाँ से शुरू हुई। एक बार प्रियंका गांधी जी मेरे इलेक्शन में आई थी और मैं गाड़ी में बैठी हुई थी दीदी के साथ में, वो मुझे बहुत बहुत प्यार करती हैं, हाँ मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आज भी यहाँ पे बैठी हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी पार्टी का बाल भी बाका हो, बट मैं ये चाहती हूँ कि हाँ ये संदीप सिंह जैसे लोग जो बैठे हुए हैं पार्टी में, इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनका सच पता किया जाए कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, किससे मिले हुए हैं, क्योंकि यही लोग पार्टी में खराब कर रहे हैं। तो मैं कहती कि जब दीदी गाड़ी में बैठी थी तो दीदी ने मुझे एक बात बोली थी, दीदी ने एक बात बोली थी कि अर्चना यू आर वेरी स्ट्रांग और तुमको ना मायावती जैसी दबंग नेता बनना है, ठीक है, ये बोलते हैं दीदी के। और मैंने कहा हाँ दीदी आपका सर पे हाथ रहेगा तो मैं उनके जैसा बनने की कोशिश करूँगी। इस बात पे इसको ये लगा कि भाई अब दीदी इसके क्लोज हो गई है, और मतलब ये नहीं चाहता कि मैं एक दलित परिवार से आती हूँ, ये नहीं चाहता कि कोई दलित परिवार का कोई लड़की या कोई लड़का या दलित परिवार का कोई बच्चा आगे बढ़े, क्योंकि ये हमारे समाज से स्टार्टिंग से ही चिढ़ता आया है। आप यूपी उठा के देख लीजिए, कहीं भी हमारे समाज का ना जिला अध्यक्ष है ना कोई प्रदेश अध्यक्ष है, यहाँ तक कि कोई प्रदेश अध्यक्ष भी थे अपने ब्रजलाल खाबरी जी, उन्होंने इनको तक सस्पेंड करा दिया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसको कितनी दुश्मनी है, बट ये भूल गया जब बाबा साहब अंबेडकर थे तब हम लोगों ने पानी तक की लड़ाई की थी, और आज तो फिर भी बहुत दुनिया आगे जा चुकी है, सोशल मीडिया से कुछ भी नहीं छुपता, जनता से कुछ भी नहीं छुपता, सबको सब कुछ सच्चाई पता है। आपने किसी वन बाय वन अभी जिस तरह आपने कहा कि दलित लोगों की वजह से ये ना उसे प्रॉब्लम नहीं, हाँ लेकिन प्रेसिडेंट भी तो हमारे यहाँ पर छोटी जाति बनकर आए हैं जी, तभी उसे आपने ये चीज का एक्शन क्यों नहीं लिया और ये चीज का कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल करती हो? मैंने किया है, मैंने किया है जो मेरी पहली वाली जो FIR है मेरे जो पापा ने करवाई है वो इसी चीज़ पे है, क्योंकि उसने मुझे दो कौड़ी की बोला था और नीच जात की बोला था, तो जिसकी वजह से मैंने उस पर कंप्लेंट कराई है। बट उस टाइम पे मेरे पास कुछ सबूत नहीं थे क्योंकि सरकार सबूत मांगती है, पुलिस सबूत मांगती है, क्योंकि उस टाइम पे ये लोग CCTV फुटेज नहीं दे रहे थे, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मुझे समझ में नहीं आता राहुल गांधी जी दलित परिवार को दलित समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, वो चाहते हैं कि दलित समाज के लोग उन आगे बढ़ें तरक्की करें। IAS वो लोग हैं हमारे समाज के लोग हैं, IPS हमारे समाज के लोग हैं, डॉक्टर, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो भी हमारे समाज से बिलोंग करती है, तो फिर इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मेरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं स्टार्टिंग में भी दबंग रही हूँ और आज भी दबंग रही हूँ, तुम मुझ पे कितना भी हमला करा दो मैं डरने वाली नहीं हूँ। अर्चना जी, अर्चना जी, एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि दिल्ली में बहुत भीड़ थी कारण जिन्होंने हमला किया, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि पूरी जो भीड़ थी उसमें सब ऊंची जात के ही लोग थे या कोई दलित वर्ग के भी थे जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया? अगर दलित वर्ग के थे और हमला किया तो उन्होंने क्यों हमला किया? पहली बात तो जितनी भी औरतें थी उनको मैं बाय नाम से जानती हूँ, मैं किसी कास्ट पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, बस मुझे इतना पता है उनमें से कोई भी मेरे समाज की लड़की नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई मेरे समाज की औरत होती तो शायद वो मुझे इस तरह नहीं देखती। और मुझे समझ में नहीं आता कि वहाँ पे धरना दिया जाता है बेटियों के आरक्षण के लिए, सब चीज़ों के लिए, यही औरतें जो कांग्रेस में जो ये औरतें हैं ना, ये जो महिला अध्यक्ष की जो ये लड़कियाँ थी जो संदीप के कहने पे धरना देती है, प्रोटेस्ट करती है, क्या इनको थोड़ी भी शर्म नहीं आई है कि आप तो एक तरफ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का धरना दे रही हो
और एक तरफ आप मुझे बोल रही हो, दीदी का नाम मिट्टी में मिला रही हो, थोड़ी भी शर्म नहीं आई? कम से कम दीदी का तो लिहाज करते, प्रियंका दीदी का तो लिहाज करते। उन्होंने मतलब अपना एक, क्योंकि ये जो दोहा था, जो क्या बोलते हैं उसको, स्लोगन जो है ये उनका ही दिया हुआ है, लड़की लड़ सकती हूँ, तो उस पर मैं खड़ी हुई हूँ क्योंकि मैं आज तक लड़ते आई हूँ। और मुझे लगता है कि हर लड़की को दबंग होना चाहिए, बट जो ये औरतें थीं जिन्होंने ये सब चीज़ें की है और वार्तालाप पे मौजूद रही हैं, ये इन्होंने ये सब चीज़ें की हैं, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का नाम मिट्टी में मिला रही हैं। जी जी, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात हो गई। क्या आपको लगता है, वीडियो भी वायरल हो गया, जी दीदी तक ये नहीं पहुंचा होगा? और अगर पहुंचा होगा तो उन्होंने फिर क्यों एक्शन नहीं लिया, आपसे बात क्यों नहीं की, मामले की जानकारी क्यों नहीं? देखो इसके अलावा और भी जो भी कांग्रेस के बड़े नेता देखा जाए, तो जो भी बड़े अहदे पर बैठे हैं, किसी का भी रिएक्शन नहीं आया अब तक। जी आप कहीं ना कहीं आप मुझे देखो, पहली बात तो मेरे अंदर बाबा साहब का खून है, और दूसरी चीज़ मैं धोखेबाज लड़की हूँ नहीं। आज मैं कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस के साथ ही मैं रहूँगी हमेशा। फिर चाहे अगर वहाँ से मुझे निकाल दिया जाता है तो फिर वो अलग बात है कि ठीक है मैं निकल गई, बट मेरे रगों में ये गद्दार खून नहीं है। मैं पार्टी में आई हूँ दीदी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए, मैं पार्टी में आई हूँ राहुल गांधी के लिए, मैं पार्टी में आई हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं संदीप जैसो को मेरे नज़रों में उन लोगों की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि मैं पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, मैं अपने लोगों के लिए काम कर रही हूँ, मैं अपने समाज के लिए काम कर रही हूँ करूँगी, और मैं महिलाओं के लिए काम करूँगी। विषय पे बात की, क्योंकि ये विषय पे वो काफी गंभीरता से लेते हैं और वो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, तो आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, अभी मैं सच बताऊं, मैं कल ही आई हूं अपनी जान बचा के, क्योंकि मैं दिल्ली में सेफ नहीं थी। उसके बाद जब मैं गाड़ी में बैठी हूं तो ये लोग मेरे पीछा भी कर रहे थे, काफ़ी दूर तक पीछा किया गया है, और बस मुझे पता है मेरी जान कैसे बची है। मेरा मुद्दा ये था कि मुझे मुंबई आना था, इसलिए मैंने दिल्ली में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सेफ नहीं हूँ। अभी मैं कल आई हूँ, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ लोगों, मतलब जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, नहीं होना चाहिए था। धीरे धीरे चीज़ें देखूंगी, मैं बात करने की कोशिश भी करूंगी, राहुल गांधी जी से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम फेस टू फेस बात करेंगे तो ही चीज़ें समझ पाएंगे, वरना लोग तो भड़काने वाले बहुत हैं। मैं राहुल गांधी जी से भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक बार प्लीज़ मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए, मैं आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, प्रियंका दीदी आपसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज़ इस चीज़ पर आप सीरियसली लें, क्योंकि सच में कह रही हूँ ये लोग अपनी पार्टी को नीचे गिरा रहे हैं। जो नंबर दीदी ने मुझे दिया था वो नंबर चेंज हो चुका है, और वही नंबर अब संदीप सिंह के पास है, तो मेरा अभी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है उनसे डायरेक्ट बात करने की, मैं आपको सच बता रही हूँ। जी मैंने क्या किया है, मैंने ना, मैं कोई भी काम करती हूँ मैं बता के करती हूँ, मैं ऐसा नहीं है मैं सडनली चली गई और मैंने कि ठीक है गेट खोला मैं सडनली चली गई। मैंने एक दिन पहले इन्फॉर्म किया था कि मैं आ रही हूँ और मेरे पापा मेरे साथ आ रहे हैं, और मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अपने कार्यालय में नहीं गई, तो एक तरह से लोगों के मन में ये है कि मैंने पार्टी छोड़ दी है या मैंने राजनीति छोड़ दी है, तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाई मैंने छोड़ी नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए ब्रेक आ चुका था, तो मैं केपटाउन में बिजी थी। और रही बात कर दूँ, हाँ, तो मैं बस उनको यही बताना चाहती हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है, मैंने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया था क्योंकि मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं केपटाउन में थी। तो वो दूसरों को, दूसरी महिलाओं के लिए कैसे सपोर्ट?
और इवन मैम अगर यही इंसिडेंट बीजेपी महिला के साथ में होता तो कांग्रेस के अब तक काफी ट्वीट्स आ गए होते, प्रियंका गांधी सामने खड़ी हो गई होती, उसके साथ में किस तरह से क्यों क्या बीजेपी ने, लेकिन आपके साथ अब तक क्यों नहीं? मुझे उम्मीद है